आज ये बस वालों का ना हड़ताल चल रहा है, जितने भी है ना ये क्या बोलते हैं ड्राइवर, सब बस छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ये सारे बस खड़े हुए हैं, जितने भी ड्राइवर थे सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, हड़ताल चल रहा है। वो नीले ड्रेस वाले वही ये ड्राइवर, बस ही नहीं मिल रहे यार हड़ताल में, सब पागलों जैसे चल रहा हूँ। सूरत की गलियों में भटक रहा हूँ भाई, ये जाना था डुमस, बस बंद करके रख दिए, मैं बस पैदल ही जा रहा हूँ, देखता हूँ ऑटो मिल जाए तो अच्छी बात। डुमस 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 कितना? डुमस बीच ज्यादा बोल रहा है, अरे हो गया ठीक है ठीक है ठीक है, अरे हो गया वो 30 रुपए लगता है, 30 बोल रहा था बीच का नहीं, वो मतलब वहाँ का भैया बोल रहा था ना, मुझे भैया का ना वो बोल रहा है कि 30 रुपए लगता है वहाँ से, चालू में जाना है ना। हाँ चालू में चलो डायरेक्ट का बोला था ना, डायरेक्ट सूरत रेलवे स्टेशन से ड्यूमा बीच की दूरी 22 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से आपको सिटी बस मिल जाता है जो ड्यूमस चौपाटी तक जाता है, जिसका किराया 30 रुपए से 40 रुपए तक लगता है। भाई अपन आ चुके हैं डुमस बीच, जो कि है भूतिया बीच, और ये है सूरत के गुजरात में। तो अभी मैं हूँ डुमस बीच सूरत के गुजरात, और ये भूतिया बीच, चलो भूतिया बीच दिखाता हूँ। सामने ऊंट जिसका प्राइस है 50 रुपए या फिर 100 रुपए, बट इसमें दो जन को ही अलाउड है। और ये अपना ATV बच्चों का घूमने का, और ये इसमें मेरे को झूलने नहीं देंगे लोग। भाई पानी आ गया भाई, उस टाइम पे पानी नहीं था जब मैंने आया था, पानी है अभी, चलो फुल पानी दिखाते हैं भाई इंसान। एंजॉय एंजॉय पानी और बैग, ये देखो इसकी रेत काली है, भूत वाली रेत है ये, जूते उतार के घुसते हैं पानी के अंदर। ये अपना जूता, उस टाइम पे आया था ना ये पानी नहीं थे, आज पानी है। वहां तक हम लोगों ने गया था, उस टाइम पे आया था ना वहां तक पूरा गया था, और पानी ना पानी यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, वहां तक पूरा पैदल गए थे, और आज पानी है देखो। पर ये पानी काले है, और बोलते हैं कि इसमें जो दाह संस्कार वगैरह होता है ना उसके कारण ये पूरे रेत काली पड़ गई थी, देखो काली काली।
पानी वाले सेब से भी चलते हैं, जो उस साइड पानी वाले सेब और लो कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं। मेरा दोस्त हालांकि इसमें काम वगैरह करता है। अब मैं इसमें एक ये काम करता हूँ कि अगर कोई बीच में फंसा होगा तो एक बोतल लूँगा, बोतल मेरे पीछे है ये बोतल, इसमें मैं भरूँगा एक मैसेज, मैसेज बोले तो एक कागज़ डालूँगा और कागज़ डालने के बाद इसमें फेंक दूँगा टापू में, मेरे को बचाओ ये सब कुछ करके, और जो फंसा होगा फिर आदि मानव आएगा और देखेगा भाई जी ये फंसा हुआ है, फालतू की बातें मैं कर रहा हूँ। मज़ा आ रहा है इसलिए, और इसमें अगर मेरा मोबाइल अगर गिरा ना तो पता नहीं चलेगा भाई, क्योंकि पानी है काला और पानी नीला नहीं है, इसके कारण से पूरा पानी खराब है। सूरज तो इतना खतरनाक है भाई, देखो दूर दूर तक कुछ टापू वगैरह कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, वो लकड़ी की बाउंड्री दिख रहा है ना, वो बाउंड्री वहां तक हमने गए थे, ये लकड़ी की बाउंड्री वगैरह, वो उस टाइम पे मैंने आया था एक जो फर्स्ट वीडियो आपने देखा रहा होगा उसमें, और ये तो वो उस साइड वो खेलने वलने वाला है, चलो उस साइड भी देखेंगे जैसा भी होगा टाइमिंग वगैरह उसके हिसाब से। और ये पीछे का सीन कुछ ये मंदिर, ये मैंने अभी यूट्यूब में एक वीडियो बनाया था कि आपको दिखाया था कि डुमस बीच का क्या इतिहास था, ये डुमस बीच मैंने बताया था ना कि डुमस बीच में उस टाइम पे पुराने जमाने में बोलते हैं डरावना इसलिए है क्योंकि पुराने जमाने पे यहाँ पे लोग जो थे दाह संस्कार वगैरह करते थे, दाह संस्कार बोले तो बॉडी डेड बॉडी वगैरह जलाना, तो उन्हीं के जो पुराने काल के जो राख वगैरह थे और बहुत सी चीजें, तो उनके कारण ना यहाँ का रेत क्या हुआ है काला पड़ गया, जिसके कारण से लोग बोलते हैं कि ये एक भूतिया बीच है, और बोलते हैं कि समय अनुसार यहाँ पे आवाजें आते रहती है, रात को कोई अलाउ नहीं करता ऐसा कुछ। ये देखो ये काली काली ये रेत को बोल रहा था मैंने, उसमें भी हिस्ट्री में भी आपको बताया था ये रेत, यहाँ की रेत जो है ये काली है पूरी, ये भाई चलो इसके आगे चलो, आगे का सीन वगैरह दिखाते हैं क्या ऐसे, हालांकि आगे का भी दिखाएंगे, इस साइड एबीएम से सब कुछ कराया जाता है और बहुत सी चीज़ें फेमस डुमस चॉकलेट डे मैन तो खेलने के लिए जगह, और ये कुछ भाई, अब इसमें दो जन का रिक्वायरमेंट है, मैं तो अकेला हूँ इसमें वो नहीं कर सकते, और ये एवीएम हालांकि इसमें मैंने ड्राइव वगैरह किए थे उस टाइम पे। चलो चलते हैं, दोबारा से आया तो मैंने सोचा आपको वीडियो वगैरह बना देते हैं, दोबारा से दिन के समय आया, उस टाइम पे रात को मैंने आया था ना तो रात को मैंने आपको दिखा नहीं पाया था भाई, रात को ये एवीएम इसका चार्जेस वगैरह 100 रुपीज रहते हैं हर लोगों का, जो ऊँट है ऊँट के भी प्राइसेस वगैरह ऐसे ही 50-60, पर इनका एक जोड़े में ये लोग घुमाते हैं, समय के अनुसार प्राइस चेंज होता रहता है। भाई मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था कि पानी बढ़िया साफ सुथरा होगा नीला होगा, बट यहाँ का पानी तो साला गंदे गंदे है भाई, देखो कैसे गंदे गंदे दिख रहे हैं, मैं सोचा कि बढ़िया साफ सुथरा होगा नीला नीला होगा टीवी से, बट ये गुजरात का एरिया है ना तो इस साइड थोड़े क्या है कि पानी गंदे गंदे टाइप से ही रहते हैं ये भाई ये रहती है ये बार बार डिटेल वही दिखा रहा हूँ। उस साइड आगे का भी चेक पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट उस साइड भी अपन चलते हैं लास्ट पॉइंट तक, ये तो शुरू का पॉइंट था जैसे, और मेरे दोस्त लोग वाला थे जा चुके अकेले ही में थे, चलो जूते लेके चलते हैं अपन क्या है सीन, और पीछे का दिखाते हैं, तो लग रहा है कि ये साला मच्छी भाई इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कीड़ा घुसा होगा, ये निकालूंगा ना मछली निकलेगा बड़ा वाला, और लोग अकेले में ही मजे कर रहे हैं, चलो जो भी है जैसा भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि मेरे दोस्त थे दो नेपाली वो लोग चले गए
अब मैं भी क्या बोलूँ यार, मैं भी कैमरे में बिजी हो जाता हूँ, तो इसीलिए मैंने दिखाने की कोशिश नहीं की। और ऐसे एरिया में आके ऐसे ही गंदगी है ना फैला है, तो पन्नी वाले पॉलीथीन वाले इस साइड रेत है, तो रेत वगैरह देख लेते हैं। ये पानी पूरा पहले यहाँ से भरा था, ये यहाँ से ये उस साइड देखो रेत वगैरह, यहाँ पूरा पानी भरा था भाई, वो अभी जस्ट टाइम पे हो गया, ये पूरा पानी था। अब ये धीरे धीरे ना पानी पूरा कम हो जाएगा, वो वहाँ तक चला जाएगा और लोग वहाँ तक ना पैदल भी लोग जाने लगेंगे वहाँ तक। तो ये समय के साथ है, समय जैसा होगा उसी के अनुसार सब कुछ होगा। और वो उस साइड डेड जोन घोषित किए हैं भाई, मैंने वहाँ तक लास्ट तक नहीं गया थे। व्यू पॉइंट काफ़ी अच्छा है, अगर कोई होता तो मैं फ़ोटो ले लेता। चलो ठीक है, मैं ट्राई फूड लाया हूँ, ट्राई फूड अच्छी बात है, ट्राई फूड से मैं वीडियो वगैरह ऐसा अच्छे खतरनाक वाली। और लोगों को ये ट्रिप ऐसे इंजॉय करते हुए उनको नजर आ रहा है साइड ढंग से, चलो सही है, जो भी है सीन बहुत ही अच्छा। वेट करते हैं ये छोटी वाली बाइक भाई, ये सीन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा सीन। अब इस टाइम पे तो कपल ही जरूरी है, या फिर फैमिली के साथ आओ, फ्रेंड के साथ आओ, उसके साथ ज्यादा सही लगता है, बट अपन तो अकेले ही चलते हैं। हो गया, अब क्या आगे घूमे भाई, वहां तक तो अपन नहीं गए थे और आगे जाने का कोई सेंस नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता भाई। और एक और बात बता दूं कि मेरा यहाँ तक रेलवे स्टेशन से है सूरत डुमस 30 किलोमीटर के लगभग। रेलवे स्टेशन से बस में बैठेंगे, 116 नंबर बस आपको डुमस के लिए पहुंचा देगी, जिसका किराया लगेगा 25-25 रुपए तक लगेगा, 25-30 रुपए। अगर आप बस आज तो क्या बोलते हैं, आज बस इनका बंद था, तो मैंने बस से आए पार्ले पॉइंट तक, पार्ले पॉइंट के बाद पार्ले पॉइंट का किराया लगभग 10-10 रुपए तक लगा बस से। फिर उसके बाद ऑटो से आया, ऑटो वाले ने मेरे लिया 30 रुपए, वहां से 30 रुपए लिया आरआर मॉल से, आरआर मॉल के थोड़ा सा आगे से वीआर मॉल से उसने लिया मेरे 30 रुपए चौपाटी तक, बट चौपाटी के अंदर छोड़ा उसने, डायरेक्ट डुमस बीच के अंदर जहां तक मेरे पैदल नहीं आना था, तो उसका 20 रुपए एक्स्ट्रा लिया, तो लगभग पड़ा 50 रुपए टोटल। मैं बताऊं तो 100 रुपीज तक लग गए, 180-70 रुपए इतना, तो फिर भी 100 रुपीज ही खा पी के, पानी वानी पी के, ये सब कुछ 100 रुपीज मेरे खर्च हुए। और भोपाल से ले लो, भोपाल से मेरा किराया जनरल कैब समझ लो 220 रुपए, और अगर आप रिजर्वेशन में आते हो तो 300-400 के करीब समझ लो, 400-500। और अगर आप फर्स्ट या सेकंड एसी में आते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितने पैसे खर्च किए हैं। बट हो गया ठीक है, मेरे इतने ही पैसे खर्च हुए थे, ज़्यादा खर्च नहीं हुए। और आज रात का मेरा ट्रेन है तो मैं निकल जाऊँगा, जस्ट मैंने काम के लिए आया था, मैं घूमने के लिए कोई मेरा प्रोग्राम नहीं था यार, पैर में बोलिए घूमने का कोई प्रोग्राम नहीं था, बट हो गया ठीक है, मैंने सोचा कि निकल लें। पानी जब मैंने आया था, मैंने आपको बताया था पानी वहाँ तक था, पानी बहुत ज़्यादा था। अब देखो धीरे धीरे कैसे पानी कम हो रहा है, ये इतना कम हो गया, इतना जब मैंने आया था ना तो इतना पानी था, इतना कम हो गया ना, अब धीरे धीरे वहाँ चला जाएगा, जितना रात होगा उतना ही पानी कम होते जाएगा। तो ये है सीन कुछ ऐसा यहाँ का भाई, ये पता नहीं एक टाइमिंग होता है या फिर क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा ऐसे कुछ बोलते होंगे, तो उसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। और पानी का गंध तो बहुत ही बेकार है एकदम, साला कैसे गंध मार रहा है बेकार टाइप से, काई ही है। चलो जो भी है सीन अच्छा है, बट इस तरह के एरिया में आओ तो आप ऐसे प्लास्टिक मत फैलाओ। देखो एक इन्होंने प्लास्टिक फेंक के रखे हैं, ये प्लास्टिक किसी ने चढ़ रहा, अब मैं भी ज्ञान ही दूंगा और क्या कर सकता हूँ ज्ञान देने के अलावा हालांकि अपन तो ऐसे काम करते नहीं है, बट ठीक है। ये देखो, ये
पॉलीथीन ऐसे जगह में आके ऐसे मत फैलाओ यार, सार मछली ये सब कुछ पूरे बेकार हो जाते हैं ना भाई, ये सब खाने लगते हैं खाना समझ, तो ऐसे जगह में आके ऐसे चीजें मत करो। चलो ठीक है चलते हैं, और बस ये देखो पानी का गांव का मुंह है, इतना था पानी यहाँ पे, वोल्केनो बन रहा है ये पानी यहाँ से था जब मैंने आया था ना, पानी यहाँ से था, ये कट्स के निशान बने, ये देखो कट्स के निशान दिख रहे हैं, ये कट्स के निशान, ये यहाँ तक बने थे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये पानी टाइमिंग के जितना रात होते जाएगा ना पानी नीचे जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, वो आपको लास्ट में दिख रहा है ना वो लकड़ी टाइप से, वो लकड़ी के समीप पहुंच जाएगा पानी, तो ऐसा है। और ये क्या लिख के रखे हैं, आई लव यू। चलो सही है भाई, इतना सब कुछ दिखाना था, मैंने प्राइस वगैरह बता दिए, खाना पीना खा के मेरा इसमें सब लगभग ख़त्म हुए हैं, कम से कम टोटल खर्चे मैं बताऊँ तो भोपाल से यहाँ तक किराया स्लीपर में आया था 700 के करीब मेरा समझ लो ख़त्म हुआ है, 700। आप इससे भी सस्ते में आ सकते हो जनरल टिकट बुक करके, और उसके अनुसार बहुत ही सस्ते में आप घूम सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतने ही पैसे खर्च करो, 500 के अंडर में भी घूम सकते हो। पर हालांकि मेरे को उसके वापस जाना होगा ना, तो वापस जाने का भी मेरे को पैसे वगैरह लगेंगे, टिकट वगैरह लगेंगे, खर्चे तो वहीं जाएंगे भाई अच्छे खासे। चलो जो भी है सही है, मेंटेनेंस बना के रखना पड़ता है भाई, कमाना पड़ता है, अपने दम पे सब कुछ करना पड़ता है। चलो तो यहाँ पे ट्राइपॉड रख के एक एक्शन कैमरा लेना पड़ेगा भाई, सेल्फी लेने वाला नहीं है, तो इसके कारण से साइड एक्शन मैं बता नहीं पा रहा हूँ। बट देखो यार पीछे का सीन बहुत ही अच्छा है, ये पानी का लेवल मैंने बताया था देखो उस टाइम के टाइम अनुसार उतरते ही जा रहा है पानी का लेवल, कुछ वहाँ से ना जहाँ पे मेरा जूता रखा हुआ है, जो लोग वहाँ से जा रहे हैं लोग ये यहाँ से, और ये देखो पानी कैसे उतर रहा है, ये देखो जस्ट ये पानी उतर रहा है ना ये नीचे से डाल से, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कैसे कि ये समय के साथ कि रात जैसे होगा और भी रातें होंगी ना, तो रात होते होते ये पूरा पानी उतर जाएगा, उतरते ही जाएगा, वो लास्ट वहां तक चला जाएगा, ये देखो ये जा रहा है, ये डालडा पूरा वहां तक चला जाता है, वो गीला गीला आपको दिख रहा होगा। मैं अकेला ही घूमता रहता हूँ, अकेले घूमने का कोई सेंस नहीं बनता है, अकेला घूमना भी बहुत अच्छा है, सेंस बनता है भाई जब अगर आप अकेले होते हो, तो आप खुद को देखते हो तुम क्या हो, क्या चीज़ नहीं हो, तुम क्या कर सकते हो दुनिया के साथ कैसे खेलना, बहुत सी चीज़ें भाई बहुत सी इफेक्ट करता है। पीछे का सीन बहुत ही सुंदर है भाई, क्या सीन है देख लो, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, देखो क्या सीन है। पानी वाले बोट उस साइड खड़े रहते हैं, पानी वाले बोट नहीं, हालांकि इम्पोर्ट जो एक्सपोर्ट होते थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले, वो नाव ना उस साइड खड़े रहते थे, बट आज दिख नहीं रहे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है चाइना से हो गया, दुबई से हो गया, सऊदी अरबिया से हो गया, सिंगापुर से हो गया, मलेशिया से हो गया, ऐसे ऐसे जगह से यहाँ से ना सामान इम्पोर्ट वगैरह होते, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले जो नाव थे वो उस साइड खड़े रहते थे, हालांकि अभी नहीं है। अभी क्यों नहीं खड़े हैं, क्योंकि पानी का लेवल और फिर कुछ समय के अनुसार, क्योंकि अभी ठंडी का सीजन है, समय के अनुसार ये खुद रहता है, और देखो पानी का लेवल कितना घटते जा रहा है। इसकी स्टोरी तो आपको पता ही होगी, मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था, क्या था शॉर्ट वीडियो
बताया था कि इसकी काली मिट्टी जो है तो दाह संस्कार वगैरह के लिए थे, दाह संस्कार के कारण काली मिट्टी हो गई थी और पानी भी इसी के कारण खराब हुए। और ये क्या बोलते हैं, प्रशांत अरब महासागर में आता है, तो अरब महासागर के कारण ना यहाँ का पानी गंदा थोड़ा रहता है। तमिलनाडु साइड जाओगे, गोवा साइड जाओगे, वहाँ का पानी साफ स्वच्छ रहते हैं, सुथरे होते हैं, बट यहाँ का पानी थोड़े गंदे होते हैं, आपको देखने को ही मिलेगा गंदे गंदे पानी। तो सही है, गंदे पानी ठीक है, घूमने के लिए सही है, अच्छा है, टूरिस्ट प्लेस है, सब कुछ है, तो घूमने के हिसाब से तो अच्छा है। और क्या बताऊँ, बस देखो पानी कितना कम हो गया ना, मैंने दिखाया था वीडियो में, दिखाया था, देखो पानी वहां से था पूरा, वो वहां से देखो ये पूरा सीन, ये पूरे सीन ना, पूरा पानी जब मैं यहाँ पे था ना, यहाँ पे पैर डूबते डूबते थे मेरे पूरे, देखो पानी वहां तक पहुंच गया, वो पानी वो वहां तक। तो काफी सही सा सीन है, सही सा शॉट है, पानी उतने से कमी हो गया। चलो चलते हैं, और कीचड़ तो लगेगा भाई कीचड़ अच्छे खासे वाले हैं ये भाई। सूरत डुम्मस अरे दूसरा बार था मेरा, मैं आता ही जाता रहता हूँ, जब केरला साइड का घूमना है, गोवा नहीं घूमा मैं, मुंबई का तो घूम लिया, गोवा का नहीं देखा, और मेरे को केरला साइड का घूमना है। करेगा तो क्या होगा, मेरे जो हैं ऑटो वाले चार्जेस ज़्यादा लेने लगेंगे, 30 के जगह 50 से 60 70 रुपए लेने लगेगी, इससे पहले इतना पैसे ले हमको यहाँ से निकलना चाहिए। तो सही है, अपन यहाँ से निकलते हैं बिना टाइम गवाते हुए। के अंदर का मैं मंदिर अभी दिखाने वाला हूँ भाई, ये सामने का ये सीन, और जो मंदिर आपको गूगल मैप में दिख रहा था वो मंदिर ये सामने वाला ये, वो ये था शिव जी का मंदिर है अपना, भोलेनाथ जी का मंदिर, अंदर का सीन वगैरह दिखाते हैं कैसे, बहुत ही अच्छा सीन था। गुजराती लैंग्वेज में लिखा है भाई, ये भाई भगवान शिव जी का मंदिर। इसके ऊपर चढ़ते हैं, इसके ऊपर का सीन दिखाते हैं क्या है, सीन कैसा है, और भी बहुत सी चीजें। सूरज डूब चुका भाई, पानी यहाँ से था, ये देखो पानी पूरा वहाँ से था और पानी पूरा जा चुका है समय के साथ। इतने समय मैं आया था करीबन शाम को 4:30 बजे, उतने समय पानी यहाँ पे बहुत था, बट समय के साथ टाइमिंग के साथ ही पानी कम होता गया और होता गया। चलो चलते हैं, ये चलो रात होती है, इससे पहले हम निकलते हैं, हमारा ट्रेन है, ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन छूट गया तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता ना, कोई सेंस नहीं रह जाता, इसीलिए अब हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई। चलो निकलते हैं भाई, बहुत ही हो गया ये बीच, ये भाई ये लौंडे लोग नोमैड वीकू। चलो भाई चलते हैं, अलविदा बोलते हैं लौंडे लोग, मजे ले रहे थे भाई, हेलो गाइस कर रहे थे। चलो जो भी है सही है, ये ऊंचा पॉइंट अभी बन गया, पहले नहीं था इसका। चलो टाइमिंग है अभी 6:01, 6 बजे यहाँ का दिन डूब जाता है और निकलने का, क्योंकि अगर आप गलत समय पे निकलते हैं तो आपको टैक्सी और ऑटो का किराया डबल देना पड़ सकता है, इसलिए समय रहते आप निकल लें यहाँ से, और टाइमिंग तो लगेगा ही भाई, हर चीज़ में टाइमिंग लगता है। चलो जो भी है सही है, अपन को निकलना तो चाहिए यहाँ से भाई, अच्छे खासे लोग पूछ रहे हैं भाई, हाँ
हाँ क्या बताने वाला था, मैं ये बताने वाला था कि यार पहले से ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, मतलब अभी हो रहा है, पहले तो हो ही रहा था। जस्ट उस टाइम पे मैं आया था 5 या 6 महीने पहले, तो 5 या 6 महीने पहले आया था, तो ये हो रहा था डेवलपमेंट। बट ये अभी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन काम वगैरह इनके चल रहे हैं, और आने वाले समय फ्यूचर में ये और भी अच्छा बन जाएगा। बट पानी यार, मेरे को पानी यहाँ का पसंद नहीं है, क्योंकि पानी यार एकदम वैसे ब्लैक ब्लैक काले काले टाइप से थे, पानी काले थे। सनसेट टाइम बहुत ही अच्छा था, सूरज ढलने का समय, हालांकि कंपेयर किए जाए तो हम लोग के बड़े तालाब से भी कोई कम नहीं है, सेम टू सेम वैसा ही था। बट जो तालाब होते हैं और जो समुद्र होते हैं उनमें अंतर पाया जाता है। तो ये देखें ये सीन, चलो एग्जिट होते हैं। चौपाटी जो था, चौपाटी के कम से कम आपको 1 किलोमीटर चलना पड़ता है पैदल, और चौपाटी निकल गया। हालांकि चलो अब निकलते हैं, अब जैसा भी सीन है वहाँ जाके बताते हैं क्या है सीन। रात को मेरा 12 बजे ट्रेन है यहाँ से डायरेक्ट भोपाल के लिए, तो मैंने भोपाल से आया है और रात को मैंने सोया नहीं है, ना ढंग से खाना खाया नहीं है, तो बॉडी तो थोड़ी टूटी टूटी, पर क्या करें, मैनेज करना पड़ता है। सोलो ट्रैवल हो तो सोलो ट्रैवल में आपको ये सब कुछ करना ही पड़ता है। तो देखते हैं जो भी है सीन, जैसा भी है अच्छा है। ये जो होटल है, टाइम आने पे ये सब कुछ भर जाते हैं, क्योंकि अभी सीजन वगैरह चल नहीं रहा है, जिसके कारण से पूरे खाली खाली पड़े हुए हैं। जैसे सीजन आएगा ये पूरे भर जाते हैं, पूरे रास्ते यहाँ पे चलना तक मुश्किल हो जाता है, ऐसा पूरे खाली पड़े हुए हैं भाई, पूरा खाली पड़े हैं। सभी चीज़ों का ना अभी अभी निर्माण हुआ है, पहले ये सब कुछ निर्माण नहीं था, अभी अभी 6 महीने के अंदर सब कुछ बना दिए गए। ये अभी अंदर इसको चलते हैं, वो जगह थे सीन ये भाई। जय भोलेनाथ। रहता था भाई, बट अभी समय के अनुसार ना सब डप पड़ेंगे भाई। ये यहाँ से हमको बस मिल जाती है, चौपाटी उसको बोलते हैं, डुमस चौपाटी। ये भाई ये राक्षस बना है किससे, प्लास्टिक से, तो आप ऐसे जगह में प्लास्टिक वगैरह ना ले जाए, ये ऑल टोटल जो समुद्र से निकला वो प्लास्टिक है, वो उससे बना है भाई। डुमस होटल हरिओम, चाय पॉइंट डुमस होटल। और अपन निकल रहे हैं, रात हो गई है, शाम को 6:30 बज रहे हैं, हालांकि 7 बज रहे हैं, टाइमिंग वगैरह 7 हो रहे हैं, और अपन को निकलना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग हो गया है, और अपन को बस मिलता है, ट्रेन मिलता है, क्या मिलता है कुछ नहीं मिलता है, देखते हैं क्या इससे, जैसा भी होगा जो भी होगा अच्छा ही होगा। और अपन को यहाँ से जंप करके अलग ही जाना चाहिए था भाई, पर जो भी है ठीक है निकलते हैं। ये बना नहीं था यार उस टाइम पे, चलो यहाँ से अपन कहेंगे क्या। ये देखो भाई, ये सब कुछ तोड़ ताड़ के रखा गया था उस टाइम पे ये, बट ये यहाँ पे झूला लगा हुआ था, ये जला दिए, ये यहाँ पे झूला लगा हुआ था, जला हुआ था, सब कुछ बन गया, सौंदर्यीकरण हुआ है, अपने के लिए भी काफी अच्छे। आज के दिन ना हड़ताल करके रखे हैं भाई, जितने भी ड्राइवर हैं ना वो सभी लोग हड़ताल करके रखे, जिसके कारण से ना अब क्या बताएं यार, बस वगैरह चल नहीं रहा, आज के दिन इनको हड़ताल करना था, बस वगैरह कुछ नहीं चल रहे ना, जिसके कारण से अब देखते हैं क्या होता है, ऑटो से जाना पड़ेगा और ऑटो वाले डबल किराया ले देते हैं ना। बात ये है कि जो अपना बजट आप फिक्स करके आते हो ना, वो बजट वगैरह ना आपके गड़बड़ हो जाते थे, जिसके कारण से मैं ऑटो वगैरह प्रेफर नहीं करता था भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करूँ वो ज़्यादा सही है, और ऐसे साइकिल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो जिसका कुछ रेंट वगैरह होता है। ये काफ़ी ज़्यादा शानदार, यहाँ पे लाइटिंग जलती थी, बड़े बंद करके रखा है लाइटिंग। इतना बड़ा समुद्री चैन भाई, इसको डाल के रोका जाता था नावों को। से सूरत रेलवे स्टेशन है 22 किलोमीटर। देखते हैं यार, ऑटो वगैरह कुछ भी मिल नहीं पा रहा है, बस वाले तो हड़ताल करके रखे हुए हैं, अब देखते हैं क्या होता है, लिफ्ट मांगता है तो लिफ्ट मांगते हैं, नहीं तो पैदल चलते हैं फिर, अब इसके अलावा ऑप्शन ही क्या है, कोई रास्ता तो है नहीं है कि अपन कुछ कर सकते थे भाई। ऑटो वगैरह भी सब चल रही है ना भाई, सीजन तो चल नहीं रहा ना, सीजन चल नहीं रहा तो अब जिसके कारण अब क्या करें, बस वगैरह भी आते नहीं है, बस वगैरह तो हड़ताल करके रखे ये लोग। अब चलो देखते हैं अपन चलते हैं पैदल ही कैसे है। चलो लिफ्ट मांग के एक बार चेक करते हैं, लिफ्ट मांग मिलती है तो अच्छी बात है, देखते हैं गुजरात के लोगों को भला भला करते।
लेंगे GoPro लेंगे कैमरा वगैरह। हालांकि राहुल भाई और मिहिर भाई मिले थे, हमको लिफ्ट दिए थे भाई, वो जा रहे हैं भाई बाइक से ये। हालांकि मैंने उनका वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था, ये शाम के समय का SMC भोपाल का, सॉरी भोपाल नहीं सूरत का, सूरत मुंशी कॉरपोरेशन। मेरा मोबाइल उतना ज़्यादा चार्ज नहीं है, फिर भी अपन निकल रहे हैं जैसे भी है। ये अभी का न्यू हाईवे देखो ये भाई। टाइमिंग बता दूं तो मैं 6:45 है, 6:45 में ऐसे ही सूरत का वेसू रोड है, डुमस रोड, डुमस हाईवे। नहीं बस अब देखता हूँ, पूछता हूँ बस कोई बंद तो नहीं कर दिया। RR मॉल मेरे को जाना था भाई, देखते हैं सीन है, बंद हो गया तो बेकार ही है, खुला होगा तो अच्छी बात है। ये सब जॉब कर कर सारे लोग कैसे आ रहे हैं भाई। भाई उतरना था अपन तो RR मॉल और उतर गए गलत जगह वाले मॉल। सूरत सिटी में हूँ भाई, ये नाइट का समय है, रात का समय बहुत ही खतरनाक वाले। चलो जो भी है, सूरत की रफ्तार देखते हैं कैसे कैसी है। स्कोडा पेल देगा भाई, चलो भाई जो भी है। पॉइंट भाई ये है, क्या बोलते हैं इसको, स्मार्ट बाजार, रिलायंस का बाजार। बैटरी मेरा डाउन होने वाला है, उसके बाद मैं बताता हूँ। और ये स्टार किसकी कंपनी है मेरे को खुद ही पता नहीं, स्टार गाड़ी ऑडी मर्सिडीज जो भी बोलते हैं उसकी कंपनी। और ये सीन पीछे का सीन, स्कोडा, स्कोडा दो जर्मन कंपनी है और इसुजू जैपनीज कंपनी। 6 महीने बाद आ रहा हूँ, 6 महीने बाद दोबारा से अपना सूरत में अपनी गाड़ी खड़ी है भाई, नेक्सॉन। चलो सही है, निकले रहे मिलके। अरे भाई सूरत का मेन सिटी सेंटर में हूँ भाई, मेन सिटी सेंटर जिसको बोलते हैं सूरत वेसू मेन सिटी सेंटर। और यहाँ से हमको जाना है RR मॉल, राहुल राज मॉल। इससे 6 महीने पहले मैं था अपने दोस्त के साथ, बट मैं आज अकेला हूँ, कोई भी नहीं है साथ में जस्ट। और मेरे को रात को अभी 12 बजे ट्रेन है, उसको भी पकड़ने हैं। चलो चलते हैं, सैप से मिलते हैं, मेरा भी एक काम था, वो काम वगैरह करवाता हूँ और उसके बाद यहाँ से निकलता हूँ। सूरत ना पहले से चेंज हो गया है कुछ, पहले ऐसा नहीं था यार, पहले ये साइड साइड में ना लारियाँ लगती थी, रोड के किनारे ना बहुत सारे वो लगते थे ठेले, बट अब ठेले का भी कुछ पता नहीं चल रहा, पूरा साफ सुथरा सिटी नज़र आ रहा है। देखो सामने पूरा साफ सुथरा सिटी भाई, ऐसा नहीं था पहले सूरत। चलो जो भी यहाँ पे लारियाँ लगती थी यहाँ पे सब तरफ, बट अभी शाम का मार्केट में दिखाऊंगा क्या सीन। ये देखो भाई डुमस चौराहा, राहुल राज चौराहा इसको बोलते हैं, राहुल राज। आपके RR मॉल दिख जाएगा और रोड साइड में कुछ ठेले, खाने पीने की चीजें, और ये सामने स्टेडियम ग्राउंड, राहुल राज मॉल, RR मॉल, और ये सामने खाने पीने की चीजें भाई, ये जितने दिख रहे हैं ना ये सारे खाने पीने की चीजें, रोड साइड फ्रैंकी, श्री सत्य साई फ्रैंकी, फ्रैंकी गोलगप्पे, सोडा, बोला की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फोर्ड द लेजेंड भाई, ये गाड़ी अब बंद हो गई है पर लेजेंड है भाई ये पूरा, बॉम्बे बेलपुरी मसाला, ये भाई पानी पूरी है, ये भाई साहब फ्रैंकीज, फोन वुड पे, हर मॉल विजी लगा के रखे। इसके अलावा फ्रैंकी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ये पानी पूरी पुचका अच्छे खासे कमाते हैं भाई। ये सामने साई राम पराठा, और ये बिल्डिंग में मैं रहता था, ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये बिल्डिंग में मैं पहले रहता था बट मैंने छोड़ दिया। और एक था पार्ले पॉइंट अथवा गेट, ये सब में मैंने यहाँ पे रह चुका हूँ,
सूरत का वीआईपी एरिया वेसू रोड है ये। इनमें मैं रहता था, ये वाले बिल्डिंग फ्लैट अपना वाला था, ये छोड़ दिया भाई। चलो जो भी है सही है। ये भाई फूड ट्रक्स क्या बन रहे हैं इसमें, फ्रेश पिज्जा, एक और फूड ट्रक इसमें बनेंगे, रहेंगे हॉट मोमोस, हाई प्रोटीन्स, इसमें भी चिकन सैंडविच फूड ट्रक है, इसको फूड ट्रक बोलते हैं। ये भाई कॉफी चाय, ये भाई फूड ट्रक्स। हेलो कर दो भावांस उल्टीमा, ये पहले नहीं था बट अभी खुला हुआ है, ये उस टाइम पे आया था ना मैं, ये सब कुछ बन रहे थे बट अभी ये बन चुके हैं। एक ये बिल्डिंग, ये भी, ये हालांकि ये भी निर्माण हो जाएगा तो अच्छा दिखेगा, और ये उस टाइम पे बन रहा था। ये लाइटिंग वाला लड़का, ये लगा हुआ है देखो पे लगे हुए, और ये है पिज्जा, तंदूरी पिज्जा सैंडविच भाई। ये है शाम का कुछ मार्केट, और अभी मैं हूँ वेसू, सूरत का वेसू एरिया। यहाँ भी क्या बन रहा है भाई, 80% न्यू आउटलेट ओपन, ये सब कुछ है ऐसे ही कुछ फूड ट्रक भाई। आज भीड़ नहीं है, नहीं तो अच्छा खासा भीड़ होता है यहाँ पे। वफल, प्योर वेज मैक्सिकन फूड, मॉकटेल्स, सैलड, वर्फ, ये सब कुछ मिलेंगे भाई। आज भीड़ नहीं है, शाम के समय में भीड़ होता है भाई। जी भाई चिकन बिरयानी, ओहो चिकन सूप, सही है भाई। ये भाई आज क्राउड उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है बट अपने टाइम पे बहुत दिखते हैं। कड़क चाय, ये आपको जबलपुर में भी दिखेगा वैसे ही सेम। पिज्जा सैंडविच, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, ये सैप का स्पेशल क्या चीज़ है भाई, मैंगो प्रोटीन, अच्छा सैलड टाइप सैलड। फ्रेंकी, और ये अपने अमित सॉरी अभिमन्यु भाई के साथ पिए थे, ये उस टाइम का, ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी ब्लैक एंड कॉफ़ी। ये सैलड का फूड दिखाते हुए, ये शाम का फूड, हालांकि भीड़ वगैरह तो उतने ज़्यादा नहीं है, कुछ के पानी पूरी। और गुजरात की पहली बार कुल्लड़ पिज्ज़ा, ये तो अपन ने कहा है, कलाकार इटालियन मैक्सिकन है, ये भी कहा, ये सब कुछ एक जगह पे शिफ्ट कर दिए गए भाई, पहले नहीं था। फ्रेंकीज दिल्ली के छोले भटूरे, फ्रेंकीज मोम मोम मोमोस जो भी है, फ्रेंसी सोडा, साई का पराठा, साई पराठा, बस भाई इतना ही था, अब मैं इससे चलता हूँ। ये अपना एरिया है वेसू का, सूरत, सूरत वेसू महाराणा प्रताप मार्ग भाई। उतना क्राउड नहीं है, उस टाइम पे क्राउड था अच्छा खासा वाला। वॉफल बड़ा, अभी क्राउड नहीं है, बहुत ही कम क्राउड, हालांकि मेन सिटी साइड में जाऊंगा अभी दिखाऊंगा। ये क्या ऐड किया है, ऐड मस्त लगा यार है, हेलो बनाना तो नहीं बट ये ऐड मेरे को बहुत मस्त लगा, वाओ। क्या नाम है, ब्राउन कॉटन, क्या प्राइस है इसकी? ये है मेन्यू कार्ड, पर मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो मेरे को जाना पड़ेगा, बट ये है मेन्यू कार्ड, और ये ब्राउन कॉफी, इनका सेटअप मेरे को बहुत मस्त लगा, बहुत मस्त छोटा सा सेटअप, कैसे क्वालिटी भी इनके अच्छे हैं, चेक कर लेना, हालांकि मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत ही कम टाइम। ये भाई तो मोमोस, फ्रेंकीज, प्रेम सैंडविच, फ्रेंकी, बूढ़ीज पिज्जा, चीज़ केक, दम पान, ये भाई मोमोस टाइप से, हाँ जी की आइस को भाई। ये है वेसू, सूरत का वेसू, जोली पार्टी अपार्टमेंट, जोली पार्टी अपार्टमेंट वो है, वहाँ पे मेरा दोस्त काम करता है, उसके आगे मैं जाऊँगा नहीं, टाइम बहुत कम है, रात के 12 बजे 9 बजे से मेरा ट्रेन है, अभी 8 बजे भी ट्रेन है, 9 बजे भी ट्रेन है, 12 बजे भी ट्रेन है, बहुत जगह ट्रेन ही ट्रेन है, ट्रेन को मैं मिस करना नहीं चाहता, वो जॉली पार्टी फ्लैट। ये सूरत का वेसू वीआईपी एरिया है, ये जस्ट ये देख लो, इसमें मैं पहले रहता था, 6 महीने पहले इससे मैं था यहाँ पे, और लोग यहाँ पे ऐसे ज़मीन पे बैठ बैठ के खाते हैं भाई। चलो सही है, अपन निकलते हैं यहाँ से, जो भी है जैसा भी सीन, बहुत ही सुंदर ये। ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स भाई, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, ये वेसू सूरत,
सूरत कवेसू इसको बोलते हैं, महाराणा प्रताप मार्ग आरआर मार्ग मॉल रोड, सामने का सीन बहुत। यहाँ की रोडों की चोचलेपन दिखाता हूँ, ये यहाँ तक कि रोड तक में लगा हुआ है, पब्लिक जो रोड होता है वो ये रोड का व्यू देखो, यहाँ से कितना मस्त दिखता है भाई ये, यहाँ से रोड ये। पब्लिक रोड व्यू है भाई ऐसे ऐसे चोचले पर रोड पार करने के लिए सब कुछ बना दिए एक्सीलेटर टाइप से। चलो ठीक है, जो भी है अपन निकलते, एक बस गया उस बस में बैठना था रेलवे स्टेशन के लिए। चलो जो भी है, ये देखो इस साइड का सीन और ये, चलो निकलते भाई। हालांकि सुंदर तो काफी मस्त बना के बताया, चमक रहा है भाई ये, मेरे मोबाइल की बैटरी कम है। चलो ठीक है, रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं उसके बाद मिलते हैं। चलो सूरत का टेक्सटाइल मार्केट ये है भाई, टेक्सटाइल मार्केट, यहाँ पे कपड़े आपको मिल जाएंगे होलसेल रेट में। ये सामने कितने दिख रहे हैं, कितने पूरे साफ टेक्सटाइल मार्केट, टेक्सटाइल मार्केट ये सारे पूरे